राष्ट्रीय किसान परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष व फायर ब्रांड नेता प्रवीण तोगड़िया ने उक्त नारा लगाते हुए धरना दे रहे किसानों की हौसला अफजाई की तथा सरकार के खिलाफ सीधा मोर्चा खोला। तहसील टाडा के हकीमपुर गांव में NH-232 से प्रभावित किसान मुआवजे की मांग को लेकर काफी दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना दे रहे किसानों की हौसला अफजाई करने आज पहुंचे फायर ब्रांड नेता व राष्ट्रीय किसान परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया लगभग एक घंटे तक धरना स्थल पर बैठे रहे तथा स्वयं नारा लगाते हुए किसानों के सुर से सुर मिलाया। श्री तोगड़िया ने कहा कि जमीन हमारी, फसल हमारी और दाम तुम्हारा, ये नहीं चलने वाला है। उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वोट हमारी और सरकार तुम्हारी, अब ये नहीं चलेगी। धरना स्थल पर श्री तोगड़िया के पहुंचने पर सूचना पर क्षेत्रीय प्रशासन सजग हो गया। राष्ट्रीय किसान परिषद ने 14 सूत्री मांग पत्र जारी किया। फसल के दाम दो, जंगली पशुओं से खेतों की रक्षा करो, फसल बीमा योजना का लाभ दो और किसान की जमीन कहीं पर भी लेनी है तो सरकारी रेट से 4 गुना ऊपर 12% उनको दाम दो, और नहीं दोगे तो वोट हमारा, शासन तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हम देश का तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे। और यह करने के लिए मेरा तीसरा नारा है, किसानों की मांग का स्वीकार नहीं तो देश में किसानों का वोट नहीं। एक बात और बताएं सर, जिस तरीके से सरकार भाई गांव में किसान मर रहा है और सरहद पर सैनिक मर रहे हैं, उनको न सैनिकों की पड़ी है न किसान की पड़ी है, उनको तो अपनी कुर्सी की पड़ी है, वरना उनको अपने जेब से पैसे देने हैं क्या, आपके घर के पैसे देने हैं? पैसे सरकार के मानी यही लोगों के टैक्स के पैसे है। और मेरी जमीन आप खरीदोगे तो कीमत मैं तय नहीं करूंगा, तो तय कौन करेगा? जो किसान मांगे वह कीमत उनको देनी होगी, और नहीं देंगे तो यह देश के किसान लोकतांत्रिक पद्धति से ताज और तख्त दोनों बदल देगा। तो एक चीज और जानना, मैं 6 लाख गांव में वही बैनर लगाऊंगा, फसल हमारी, दाम तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जमीन हमारी, दाम तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारी, शासन तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मैं 6 लाख गांव में ग्राम सभा करके बैनर लगाकर यह देश के किसानों को अपने पसीने के दाम और जमीन के दाम के लिए खड़ा करूंगा।